जय बद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से, और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। हमारा लंच भी हो गया है और आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज का ब्लॉग मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें जाना बबरिका के मंदिर में, वहाँ है बबरिका की जात। वैसे आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी बबरिका का मंदिर देख रखा है, पिछली बार गए थे हम, जो मेरी दादी और है वो चढ़ावा लेके गए थे, तो उस टाइम गए थे। और अभी देर हो गई इसलिए मैं ब्लॉग भी जल्दी जल्दी शुरू कर रही हूँ। और अब हम निकल रहे हैं चाची मैं और खुशी, और वहाँ शुरू भी हो गया तो जल्दी जल्दी जाते हैं, और बने रहे आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में। तो हम जब भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं ना, हम तीनों चाचका के हम ना, हमारे घर वाले हमेशा लेट में पहुँचते हैं क्योंकि हमें बहुत लेट में पता चलता है। और वहाँ इतनी जल्दी शुरू भी हो गया तो अभी हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं हम, और गाँव से अभी और भी जाएंगे और ऊपर है, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। चल चल के सांस में फूल गई है तो हम भागने पे लगे हुए। गाँव में हमें अंकु भी मिल चुकी है, तो माँ का नींद है अभी, इसकी मम्मी और भी अब आ रहे हैं, चाचू भी आ रहे पीछे से, चलो जल्दी जल्दी। तो अभी हम यहाँ पे आ गए बुड्ढी जी की दुकान में तेल धूप लेने के लिए, तो ये है चटोली गाँव, और इस गाँव के ऊपर है बबरिका का मंदिर, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो हमें जाने यहाँ ऊपर, ये देखो लोग बैठे हुए यहाँ पे, तो हम यहाँ ऊपर जाएंगे। शुरू भी हो गया कब का, हम अब जैसे यहाँ पे शुरू हो गया, लोग घर जाने वाले हैं, अब हम इतने लेट में आ रहे हैं। अभी यहाँ पे देवता आ रहे हैं जिन पे बबरी का आती है, वो नाच रहे हैं अभी यहाँ पे। अभी यहाँ पे डोली भी आ गई है, अच्छा हम जल्दी आ गए। गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, ये देखना लोगों के बीच बीच से चल रही। गाइस यहाँ जाने के लिए नहीं है, यहाँ नीचे लोग नाचने लगे, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, यहाँ पे चप्पल उतार के, ये रहा मंदिर यहाँ पे। तो अभी हम टीका लगाने गए हैं, तो दोस्तों आपने ये मंदिर यहाँ पे पहले भी देखा होगा ये मंदिर, और आज दूसरी बार आ चुकी है। अभी हमने टीका लगा लिया है, अब हम बाहर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, तो हम यहाँ से जाएंगे नीचे और सबसे आगे बैठेंगे। तो ये देखना यहाँ पे चाची बोर्ड नीचे जा वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों कुछ भी होता है हमारे गांव में, जात वगैरह किसी भी चीज़ की जात होती है, तो डोली बीच में नाचती है और इधर उधर से सारे लोग नाचते हैं और बहुत देर तक नाचते हैं, और बाद में सब पे देवता, मतलब जो जो भी देवता वाले होते हैं उन पे देवता आता है बहुत भयंकर वाला। तो आप लोग अभी देख सकते हो लोग कैसे नाच रहे हैं यहाँ पे। ऊपर चली गई है, हम दोनों यहाँ पे देख के देख रहे थे, क्या हुआ है बेटा, अभी ऊपर चेकी होगी तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर चेकी
चिकन जस्ट बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं। अभी जग्गी होगी और उसके बाद फिर से देवी देवता आएंगे। जग्गी के बाद नीचे ही आएंगे, ऊपर जाने के लिए नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लोग रास्ते में बैठेंगे। देखिए अभी हम धूप में बैठ गए हैं, अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ढोल वगैरह बज रहे, दो देवता आ रहे हैं और अभी देखते क्या क्या होता है। ऊपर तो सबसे एंड में होता है खतरनाक, हमको बोल रही, और देखते हैं कैसा होता है। सच में होता है, जितने भी देवता होते हैं ना, जिन पे भी आता होगा यहाँ पे, सब पे आता है। तो बताऊंगी मैं आपको, अभी तो हम दोनों बैठ रखे हैं यहाँ पे। ब्लॉग बनाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, अभी बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। नीचे से आ गया, यहाँ झाड़ियों में जा रहे हैं, यहाँ से नीचे दिखेगा तो यहीं पे जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में लोग बैठे हुए, यहाँ तो खाली तो हूँ, यहाँ पे लोग बैठे हुए वो नहीं जाने देंगे। ये देखो यहाँ पे मंदिर, तो हमें रास्ता मिल चुका है और अब हम यहाँ जाएंगे। यहाँ पे हवन हो रहा है, अभी हम इनके साथ बैठ गए, यहाँ पे हवन हो रहे हैं तो दोस्तों अभी यहाँ पे हवन हो रहा है और उसके बाद आएंगे बहुत सारे देव। तो अभी यहाँ पे हवन हो रहा है, अभी ये परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पे।
दोस्त अभी डोली को ऊपर लेके आ गया, अंदर चलेगी डोली और यहाँ पे सारे देवी देवता नाच रहे हैं। अभी यहाँ पे खत्म हो गया। और अब हमें प्रसाद मिलेगा। तो अभी यहाँ पे सबके सब उठ गए हैं और अब हम जाएंगे घर। खत्म हो गया सब। जो कुर्सी भी हो जाए देखना, जो हम तो सीढ़ियों से आगे लेकिन जो ऊपर थे वो यहाँ से जा रहे नीचे। और अब हम घर जा रहे हैं। चलो ये आ गया यार, यहाँ इतनी भयंकर वाली भीड़ होगी। या उनको ने देखना मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने पकड़ा। यहाँ पे मिल रहा प्रसाद। So guys, अभी हमें प्रसाद मिल गया है और अब जा रहे हैं हम घर। ये यहाँ पे खुशी रुकी हुई है हमें लिए। ये अंकु बोल रही खुशी को अच्छा पति मिलेगी। तुझे मिल गया प्रसाद। चल अभी जा रहे हैं हम दुकान, देखते हैं दुकान में क्या क्या। चल रे कहाँ चले दुकान। अच्छा मल्टी साइड से, यहाँ देखना लोगों के माल्टे लगे हुए। यहाँ दुकान। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए दुकान में। लाइट ना लाइट नहीं है दुकान में यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे चाउमीन सॉरी मोमोज खाने के लिए, ये देखो यहाँ पे। तो अभी मोमोज खाएंगे। तो अभी यहाँ पे मोमोज आ चुके हैं और अब हम मोमोज खा रहे हैं। उनको फोटो क्लिक कर लिया, खुशी तो खाती नहीं वो यहीं पे। और हम यहाँ पे मोमोज खाते हैं। तो अभी हम चटोली को करते हैं बाय बाय और अब जाते हैं हम अपने घर की गलियों में। तो अभी घर जाते हैं। तो हमारे यहाँ ना कुछ ऐसा नहीं होता अपना पराया ये वो सो, जैसे मतलब यहाँ किसी पे भी देवी देवता आ रहे होंगे हम जानते नहीं होंगे। तो ऐसे नहीं है कि मतलब कि वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक थी मतलब उन पे देवी वगैरह आ रही थी, उन्होंने हम दोनों को बैठा। मैंने सोचा अंकु की रिश्तेदार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि रिश्तेदारी बैठ सकते हैं, पर ऐसे ऐसे कि देवता मतलब हर किसी को ही बैठता है, बैठने का मतलब गले लगाता है। तो अभी हम घर जा रहे हैं, धूप भी उड़ने वाली है, इतनी ठंड लग रही ना क्या बोलूँ मैं। चलो जल्दी जल्दी, अब एक और जात होने वाली है वहाँ ऊपर नंदा की जात। तो तब तक भी हम घर हैं। और आपको हाँ कल कल का दो दिन बीच उसके बाद होगी हमारी नंदा की जात, जो कि हमारी कुलदेवी है, वो आपको उसी दिन दिखाएंगे। अभी हम जाते घर। देखना हमारे गांव वालों के इतने सारे माल्टा और रखे हैं, माल्टा के पेड़ हैं। तो ये हमारा गांव है, ये नीचे अकोर का घर है। और ये देखो यहाँ कितना मस्त व्यू लग रहा है हमारे गाँव का। तो बुढ़ी जी बोली तुमने मुझे खुशी के बर्थडे पे नहीं बुलाया के। बाबा तुम दिया नहीं था हम तो बहुत खेल कर। दोस्तों बुटी को केक खाना था कि बुढ़िया का खुद मैं जवान छन। बुढ़ी बोल रही है मैं बुढ़िया होगी कि किसी अंकल से बुढ़िया लग रही बुढ़ी। कमेंट करना दोस्तों, कमेंट करना
बता देना बुड्ढी जी को, बुढ़िया भी जवान है। बुड्ढी जब नाचेगी तब कैसे फुरकेगी ऐसी ऐसी ऐसी। अच्छा नंदा की जात के लिए फुरकेगी बुड्ढी। अब मैं चाला सुआ चलो क्या लेंस डाल, लेंस पे देखा दो लो ए बुड्ढी को लेंस से डालू। अच्छा कोई नहीं ना भी एक बार खाए के दोस्तों मेरी मम्मी के लिए बोल रही बुड्ढी जी मिठाई नहीं लाती के ये मम्मी नहीं बोला सुमता इसकी इसकी मम्मी की एक्टिंग कौन कर दी माँ दोस्तों बुड्ढी हमारी मम्मी और की एक्टिंग कर रही है। चले यार ठीक से हम जान छान ठीक से बाय बाय। पैर से खूब नाचा तू भी आदि तुम भी बाय बाय कराओ ए बुट नाच नाच कर बाय। ठीक से तब बुड्ढी का बाय दे सकता चल यार ठीक से तब जान से ना। तो दोस्तों जो हमारी बुड्ढी जी थी उन पे आती है आंचरी और परसों आप उनका नाच देख लेना और अभी फिलहाल और कैसी एक्टिंग की उन्होंने हमारी मम्मियों की बताना जरूर। हमारी मम्मी और भी देखेंगे वो भी मैसेज करना कैसा एक्टिंग की बुड्ढी ने तुम दोनों की इसकी मम्मी की और मेरी मम्मी की। ठीक है तो अभी हम जा रहे हैं घर तो देखते हैं घर में जाके क्या करते हैं। दोस्तों ऐसे लग रहा है बाल खुले कर रहे मेरे पे ही आया हो कुछ ऐसा लग रहा है बाल दोस्तों इसको रबड़ नहीं मिला बस दोस्तों मैं रबड़ लगाती हूँ फिर तो अभी हमारा गांव घर है घने जंगल हम तो अंदर पे इतने बड़े फट्टू हैं सबसे बड़ी फट्टू हैं नहीं ये भी दोस्तों फट्टू ये सोती कभी अकेला नहीं है दोस्तों क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक हूँ। अभी हम घर जा रहे हैं इधर कैमरा करके बहुत अंधेरा आ रहा है इधर कैमरा करके हमारा मुंह चमक रहा है तो अभी हम घर जाते हैं आपको मिलता है घर जाके। तो दोस्तों मेरी चाची यहाँ पे और अभी फिलहाल ये दे रही है चाची सोच रही बर्फ पड़ने वाली है तो आग जा घोड़ा कर आग जगाने के लिए दे रही चाची यहाँ पे तो खराब हो जाएंगे वो बर्फ में तब। दोस्तों अभी हमारी भैंस भी आ गई है घर चा ये देखना ऐसे लग रहा ऐसी आती होगी बिना घास खाए हुए जंगल से। ये तो वही है जो चाची ने दिया था मुझे आग जगाने के लिए चूल्हे में अगर बर्फ पड़ेगी तो चाची ये लगाएगी चूल्हे में बहुत टाइम तक रहता है सूखा हुआ है अगर बर्फ में वहीं पे छोड़ देंगे तो ये सड़ जाता है। तो घर जाके हम कुछ नहीं करने वाले बस डिनर बनाएंगे तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ मिलता आपसे कल के ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना तब तक के लिए टाटा बाय बाय।